माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। काशी जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे, मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा, साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।